इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लैपटॉप में कीबोर्ड या माउस कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो आप यूज करते हो लैपटॉप, लेकिन लैपटॉप में जो कीबोर्ड आता है, तो इस कीबोर्ड से हमें जो टाइपिंग करना है तो हमारा अच्छे तरीके से टाइपिंग नहीं होता है। तो आपको लैपटॉप में एक्सटर्नल कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट करके उसमें यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारा न्यू वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड इस हमारा जो डेल का लैपटॉप है, लेकिन उसमें हमारा जो ऑलरेडी कीबोर्ड आता है, लेकिन हमें एक्सटर्नल कीबोर्ड एंड माउस उसमें कनेक्ट करना है। तो इस हमारा जो लैपटॉप है और हमारा पास एक जो कीबोर्ड है और एक माउस है, वही हमें लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है यूएसबी केबल से। तो अभी देख लीजिए कि हमारा कीबोर्ड एंड माउस है, तो वही हमें लैपटॉप में कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें जो लैपटॉप में हमें जो टाइप करना होता है, तो किसी भी जो काम करना होता है, तो हमारा अच्छी तरीके से उसमें कीबोर्ड से टाइप नहीं होता है, तो आपको एक्सटर्नल उसमें कनेक्ट करके काम कर सकते हो। तो जो लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट आता है, तो उसमें आपको कनेक्ट करना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा डेल का लैपटॉप है, तो उसमें जो यूएसबी पोर्ट है, तो उसमें आपको कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट कर सकते हो। तो चलो मैं इस तरह हमारा कीबोर्ड एंड माउस है, वही मैं यूएसबी केबल से लैपटॉप में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको इस तरह लैपटॉप में कनेक्ट कर देना है। तो आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसमें हमारा डिवाइस है, वही हमारा कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरह हमने जो माउस एंड कीबोर्ड कनेक्ट किया है, तो वही हमारा उसमें स्क्रीन पे शो हो रहा है डिवाइस। तो आपको इस तरह कीबोर्ड एंड माउस लैपटॉप में कनेक्ट करके उसमें यूज कर सकते हो। तो हमारा जो कीबोर्ड में नंबर लॉक लाइट है, वही हमारा ऑन हो गया है। तो आपको आप देख सकते हैं कि हमारा सही से कनेक्ट हो गया है। तो चल में कैप्स लॉक लाइट है, वही मैं ऑन कर देता हूँ कीबोर्ड में, तो हमारा कीबोर्ड में सही से ऑन हो गया है। लेकिन हमारा जो माउस है, तो माउस में अभी तक हमारा कोई उसमें लाइट नहीं आ रहा है। तो चलिए हमने जो यूएसबी केबल कनेक्ट किया है, वही हमारा सही से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमारा माउस में लाइट नहीं आ रहा है। तो अभी देख लीजिए कि हमारा सही से कनेक्ट हो गया है। तो आपको इस तरह माउस एंड कीबोर्ड है, वही आपको लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हो और उसमें यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं जो हमारा माउस है, तो माउस से मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप में हमारा सही से वर्क कर रहा है। तो अभी देख लीजिए कि माउस का पॉइंटर है, वही हमारा लैपटॉप में सही से काम कर रहा है। तो इस तरह आपको माउस को भी लैपटॉप में कनेक्ट करके आपको वर्क करना है, तो उसमें काम कर सकते हो। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया और मैं कंट्रोल पैनल पे क्लिक करता हूँ, तो वही हमारा सही से लैपटॉप में काम हो रहा है। तो इस तरह आपको माउस एंड कीबोर्ड को लैपटॉप में कनेक्ट पे कर सकते हो। तो चलो मैं कीबोर्ड में विंडो की को प्रेस करता हूँ, तो हमारा लैपटॉप में भी प्रेस हो रहा है, उसमें हमारा सही से काम हो रहा है। तो इस तरह आपको कनेक्ट करके उसमें यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है, तो उसमें मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ, तो हमारा लैपटॉप में भी ऑन हो रहा है। तो इस तरह हमारा सही से कीबोर्ड एंड माउस लैपटॉप में काम कर रहा है। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद चलिए मैं कीबोर्ड से टाइप करता हूँ कि हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं माउस से स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद चलिए नोटपैड को ओपन करता हूँ। तो चलो मैं सर्च में टाइप करता हूँ नोटपैड, तो हमारा जो कीबोर्ड है, तो इस कीबोर्ड से मैं टाइप कर रहा हूँ, तो हमारा सही से टाइप हो रहा है। तो चलिए नोटपैड आ गए, तो उसको मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद चलिए मैं कीबोर्ड से किसी भी जो टाइप कर रहा हूँ, जो अल्फाबेट है, तो उससे मैं टाइप कर रहा हूँ, तो हमारा जो लैपटॉप है, तो लैपटॉप में हमारा सही से वर्क कर रहा है। तो आप देख लीजिए कि हमारा सही से उसमें टाइप हो रहा है। तो आपको इस तरह कीबोर्ड एंड माउस को लैपटॉप में कनेक्ट करके यूज करना है, तो आपको इस तरह कनेक्ट करके उसमें यूज कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा सही से उसमें वर्क कर रहा है। तो चल मैं अल्टर F4 को प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में, तो हमारा लैपटॉप में भी प्रेस हो जाएगा, और उसमें नोटपैड है, वही हमारा क्लोज हो जाएगा। तो आपको इस तरह लैपटॉप में कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस तरह आपको कनेक्ट करके उसमें यूज कर सकते हो। तो मैंने लैपटॉप में USB पोर्ट आता है,
तो उसमें मैंने कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट किया है यूएसबी केबल से, तो आपको इस तरह कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।